नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित उर्दू अकादमी में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं पंख एक पहल फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पांचवें दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद समापन समारोह पर लोक गायन एवं लोक नृत्य द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म पर आधारित नृत्य नाटिका अवध के राम का मंचन किया गया, जहां पर एक साथ कलाकारों ने प्रभु श्री राम के जन्म का मंचन किया। मैम, आज किस तरीके का ये अवध के राम जो थीम बनाया था आपने, क्या है, किस तरीके का आज यहाँ पर आयोजन किया गया? जी, ये अवध के राम जो था, ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और पंख एक पहल फाउंडेशन के माध्यम से हुई है। इस थीम में हम लोगों ने राम जन्म के ऊपर एक बहुत सुंदर सी प्रस्तुति तैयार की थी, जिसको गायन, वादन और नृत्य और सारा समावेश लोक पे आधारित था, जो धीरे धीरे होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। लोग रिकॉर्डिंग की तरफ पढ़ रहे हैं। हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई है, लेकिन हमने इसको मंच पर जो प्रस्तुति दी है उसको हमने गायन, वादन, नृत्य के साथ दिया है। तो ये बहुत सुंदर सी प्रस्तुति आज हम कर पाए हैं। आपका पंख एक पहल फाउंडेशन है, क्या ये संस्था किस तरह का कार्य करती है? जी, ये पूरी तरीके से कल्चरल काम करती है। जैसे कि 2016 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश ये की कि मैं खुद एक कथक की और लोक नृत्य की आर्टिस्ट हूँ, लगभग पिछले 2005 से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल हैं जो हमारे नगरीय क्षेत्र से थोड़े बाहर आते हैं, वहाँ पर लोक कलाओं का इतना प्रचार प्रसार नहीं है। तो हम हर गर्मी की छुट्टियों में वहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ वर्कशॉप डालते हैं, जिससे कि हम बच्चों को भी सिखा सकें और उनको अपनी कला के बारे में बता सकें। तो इस तरीके का आयोजन होता रहता है। इसके अलावा हम लखनऊ में भी वर्कशॉप कराते हैं, इसके बाहर भी कराते हैं। सामाजिक तौर पर मैं खाली वृक्षारोपण करती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, पर्यावरण के लिए, लेकिन बेस हमारा कल्चरल है। अवध के राम जो थीम था आज, बेसिकली इसमें किस तरह का प्ले किया गया, क्या इसमें मेन निकल के आया? एक्चुअल में देखिए, भगवान राम का जन्म जो है वो एक ऐसा प्रसंग है कि हमारी वर्तमान जो पीढ़ी है और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसे उससे अवगत होना चाहिए, और ये तभी अवगत होंगे। कोई भी दवा आप अगर आयुर्वेदिक ऐसे डायरेक्ट पिलाएंगे तो आदमी हिचकिचाएगा, जब उसमें आप शहद मिला देंगे थोड़ी सी ना, तो उसका स्वाद मीठा हो जाएगा, वो आराम से दवा खा लेगा, पी लेगा। उसी तरीके से इस भगवान राम के जन्म को संगीतमय प्रस्तुति बना करके हमें अपनी जनरेशन में पहुँचाना है, हमें अपने संस्कार अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को अपने उस प्रभु से जोड़ें जिनकी मर्यादा में, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जिनकी मर्यादा में हम आज जी रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वह सनातनी हमारे प्रभु के समीप हो, उनकी कृपा का पात्र बने, सदा उन पर भगवान राम की कृपा बनी रहे, यही हमारा प्रयास है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।